कंसिडर दिस ग्रामर एंड कंस्ट्रक्ट द LR1 ऑटोमेशन फॉर इट, LR1 पार्स टेबल फॉर इट एंड ऑल्सो आंसर दीज क्वेश्चन. ओके, सो फॉर LR1 ऑटोमेशन वी नीड ऑगमेंटेड ग्रामर. So we'll add one more production into it and that is S dash derives S. Okay, अब इसके लिए क्या करेंगे हम S dash derives dot S comma dollar इस LR1 item से LR1 automation का construction start करेंगे. Dot के बाद capital S non terminal है तो S क्या production है उसके respective LR1 item इसके closure में लिखे जाएंगे. Okay, तो क्या है डॉट एस एस कॉमा और इसका चूंकि आप इस एस का आप क्या कर रहे हो क्लोज लिख रहे हो तो इसके बाद जो भी कुछ है स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल उसका फर्स्ट तो सिर्फ डॉलर है तो आप डॉलर का फर्स्ट लिखोगे. ओके, देन एस ड्राइव दूसरा प्रोडक्शन है एस से तो उसमें भी डॉलर आएगा और एक तीसरा प्रोडक्शन भी है S derives epsilon तो उसके respective LR0 item S derives dot. Okay, और यहां पर भी ये डॉलर आएगा. Okay, अगर ये दूसरे S को देखो यहां पर डॉट के बाद टर्मिनल है ये तो रिड्यूस्ड आइटम है तो जो टर्मिनल है उस पर कुछ देखना नहीं है लेकिन डॉट के बाद जो ये दूसरा वाला S है इसके रिस्पेक्टिव आपको क्लोजर देखना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं इसके रिस्पेक्टिव क्लोजर कंप्यूट कर लेता हूं. S dash derives dot SS क्योंकि वो प्रोडक्शन है आप क्या करोगे इसका फर्स्ट लोगे. ओके, या आप कह लो फर्स्ट ऑफ S डॉलर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ S डॉलर S क्या है टर्मिनल A तो इसके फर्स्ट में A तो आएगा और जब S derives epsilon होगा तो इसकी जगह epsilon फीड होगा तो epsilon absorb कर लेगा कौन डॉलर तो फर्स्ट ऑफ डॉलर तो डॉलर भी इसमें आएगा. ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पर डॉलर और ए दोनों रखेंगे. अब इस तरीके से एस डिराइव डॉट ए तो इसमें भी यही आएगा डॉलर कॉमा ए और यहां पर एस डिराइव एप्सिलॉन तो यहां पर भी डॉलर कॉमा ए इस तरीके से आएगा. अब आप अगर इन तीन LR1 आइटम को देखो तो इसके रिस्पेक्टिव ये इनका LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक है डिफरेंट है. यहां पर सेकंड के लिए इसका सेकंड देखो LR1 LR0 आइटम सेम है लुक है डिफरेंट है एंड सेम फॉर थर्ड आइटम्स. ओके, तो हम क्या करेंगे LR0 आइटम सेम रखेंगे और लुक है यूनियन कर देंगे. जैसे S derives dot SS, S derives dot SS यहां डॉलर है यहां डॉलर A है दोनों को यूनियन कर देंगे और एक साथ लिख देंगे. ओके, आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है कि यूनियन करके एक जगह पे लिख देना है. ओके, सिमिलरली यहां पर और सिमिलरली यहां पर. ओके, और इनको हम हटा देंगे तो इस तरीके से हमको ये क्या मिल गई इनिशियल स्टेट. अब यहां से क्या करेंगे S के लिए S dash derives S dash derives S dot comma dollar. ओके, अब अगर यहां से आप देखो तो यहां पर डॉट के बाद एस है और सेकेंड LR1 आइटम में भी डॉट के बाद एस है तो ये भी इसी स्टेट पर जाएगा. क्या होगा एस डेराइव्स एस डॉट एस कॉमा डॉलर और ए. ओके, ये इसके लुक हेड है लुक हेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है व्हाइल गो टू एंट्री. ओके, अब यहां डॉट के बाद क्या है कैपिटल एस नॉन टर्मिनल मीन्स आपको क्लोजर भी लिखना पड़ेगा. अब क्लोजर लिखोगे तो एस एस कॉमा डॉलर और ए. ओके, आप कंप्यूट करके देख लो कि जो ये डॉलर और ए मींस इसके लिए आप लिख रहे हो तो डॉलर कॉमा ए का जब आप क्लोजर लोगे सॉरी क्लोजर लिखोगे और उसमें इसका फर्स्ट लोगे तो यही आएगा. ओके, यहां से डॉट ए है यहां पर भी डॉलर कॉमा ए ही आएगा एस ड्राइव डॉट और यहां भी डॉलर कॉमा ए यही आएगा और इसके साथ ये स्टेट कंप्लीट होती है. ओके, यहां पर ए के ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे ए के ट्रांजिशन में यहां पर एस डिराइव्स ए डॉट कॉमा डॉलर और ए ये तो इसके लुक हेड रहेंगे ही रहेंगे इसके लिए और ये तो रिड्यूस आइटम है ही है. अब इसके लिए देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है. पहला तो रिड्यूस्ड आइटम है. ओके, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे दूसरे के लिए लिखेंगे
एस डिराइव्स एस एस डॉट कॉमा, ये डॉलर और ए, ये इसके लुक अहेड है, ये स्टेट कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहां पर अभी हम इसको ऐसे क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डॉट के बाद एस और डॉट के बाद एस, इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेट थोड़ा इधर नीचे लिखते हैं क्या एस, और यहां से क्या एस डिराइव्स एस डॉट एस कॉमा, यहां पर क्या है डॉलर कॉमा, ये आइटम इस तरह से होगा एस एस डॉट डॉलर कॉमा ए, ओके, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, ये क्या है एस डिराइव्स एस डॉट एस और ये डॉलर कॉमा ए, ओके। ये दोनों आइटम, ये और ये, इनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज इस तरह से होंगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हमको डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो हमको क्लोजर लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहां डॉलर कॉमा ए, ये आप कंप्यूट कर लेना, यही आएगा डॉट के बाद ए डॉलर कॉमा ए, और यहां पर एस डिराइव्स डॉट, और यहां पर भी डॉलर कॉमा ए ही आएगा, और इस तरह से ये क्या होगा, ये स्टेट इसकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। यहां पर अगर ए का ट्रांजिशन इसमें देंगे तो वो सीधे इस पे आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब अगर आप यहां पर देखें तो ये तो कंप्लीटेड आइटम हो गया है, ओके। और अगर इसमें एस का डॉट के बाद एस है, अगर एस का ट्रांजिशन करूं तो क्या होगा, ये सॉरी एस का ट्रांजिशन करूं तो क्या मिलेगा, यहां से एस एस डॉट कॉमा डॉलर ए, और यहां से चूंकि दो जगह डॉट के बाद एस है तो एस डॉट एस, तो यही दोनों आइटम आपको बिगिनिंग में मिलते हैं। चूंकि ऐसा होता है इसलिए इसके लिए कोई अलग से स्टेट नहीं बनाएंगे, लूप लगा देंगे, ओके। इससे ए का ट्रांजिशन देंगे तो ये होगा, और ये क्या है, रिड्यूस्ड आइटम है। सो टोटल फोर स्टेट, आई जीरो आई वन आई टू एंड आई थ्री, ओके। तो अब इसके रिस्पेक्टिव अगर हम ये देखें कि टेबल का हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ओके, तो आई जीरो स्टेट में है कैपिटल एस पे, कहां गया वन पे, ओके। तो हमने ये आई जीरो में वन फिट कर दिया, स्मॉल ए या टर्मिनल ए पर आई टू पे गया है इस, तो हम यहां क्या कर देंगे, शिफ्ट एंट्री है ये, ओके। आई वन स्टेट पे आए, आई वन स्टेट में ये क्या है, रिड्यूस्ड आइटम को बाद में देखेंगे, ओके, पहले नॉर्मल आइटम्स को और बाकी को देख लेते हैं। बाकी जिसमें एक ट्रांजिशन है वो कैपिटल एस पर है या टर्मिनल ए पर, कैपिटल एस पर कहाँ गया है, ये आई थ्री स्टेट पे गया है, कैपिटल एस पर कहाँ गया, आई थ्री पे, तो थर्ड आई थ्री का थ्री यहाँ लिख देंगे, ओके। ए पर कहाँ गया है, आई टू पे, ए पर कहाँ गया है, आई टू पे, मतलब शिफ्ट टू, ओके। तो एस टू हमने कर दिया आई वन के लिए, और इसमें रिड्यूस्ड एक आइटम है, उसकी एंट्री को दो आइटम है, एक ये रिड्यूस्ड एक ये रिड्यूस्ड, तो इनके लिए बाद में अभी ट्रीटमेंट देखते हैं क्या करना है। आई टू रिड्यूस्ड आइटम बाद में देखते हैं, यहां पर आते हैं आई थ्री में, ओके। आई थ्री में देखते हैं कैपिटल एस में क्या है कि थ्री पे ही रह गया, ए पे क्या है आई टू पे चला गया, तो यहां पे शिफ्ट टू कर देंगे, ओके, एस टू फिट कर देंगे। अब रिड्यूस्ड एंट्रीज को हम चेक करते हैं, यहां पर एक रिड्यूस्ड है आई जीरो में, ओके। तो प्रोडक्शन की नंबरिंग करनी पड़ेगी इस केस में, और ये हैं प्रोडक्शंस, तो वन टू और ये थ्री, ओके। ये प्रोडक्शन नंबर कौन सा, थ्री, तो आर थ्री फीड करेंगे आई जीरो रो पे, आई जीरो रो पे आर थ्री फीड करेंगे कहां कहां, डॉलर में और ए में, ओके। डॉलर में क्या लिखेंगे, आर थ्री, और ए में क्या लिखेंगे, आर थ्री, ओके। कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यहां का काम हो चुका है। I1 स्टेट पे ये पहला वाला जो आइटम है ये LR1 आइटम है, ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ग्रामर एंड देयरफॉर इसकी वजह से कोई रिड्यूस या शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए है। तो यहां पर I1 में डॉलर में क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट, ओके, ये डॉलर के नीचे एक्सेप्ट लिखेंगे। अब ये रिड्यूस्ड आइटम है, प्रोडक्शन क्या है, ये थर्ड प्रोडक्शन है, ओके। तो आर थ्री लिखेंगे हम कहां कहां, डॉलर और ए में, आई वन स्टेट, और कहां कहां लिखेंगे, डॉलर और ए, यहां पर लिखेंगे आर थ्री और यहां पर भी लिखेंगे आर थ्री, ओके। यहां पर भी आर थ्री रहेगा और यहां पर भी आर थ्री रहेगा। अब देखते हैं आगे
कि नेक्स्ट क्या है, आई टू स्टेट पे आते हैं, यहां पे भी रिड्यूस्ड आइटम है, प्रोडक्शन नंबर क्या है R2, आई टू स्टेट में है यहां पे है, और डॉलर और ए में क्या लिखेंगे R2 और R2, ओके। और I3 स्टेट पर आएंगे और यहां पर भी एक रिड्यूस्ड आइटम है R3, तो इसको भी क्या करेंगे R3 और R3। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि मीन्स इतना तो हो गया कि इज दिस ग्रामर एलार्बन, द आंसर इज नो, ओके। मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन, अगर इसका साइज ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये ग्रामर एलार्बन है कि नहीं, इसमें साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन क्या होगा, तो ये I0 से लेकर के I3 तक, या मिनिमम साइज 4, ओके, ये तो होना ही होना है। अब अगर टोटल कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, ओके। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो आपको ये मिल गया है यहां पर, ये I0 स्टेट पर, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसको अगर देख करके कभी कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट प्रॉब्लम तो हुई है, क्योंकि इस स्टेट का कंटेंट कोई पढ़ने आएगा तो एक्सेप्ट करे या रिड्यूस करे, ओके। और रिड्यूस करे तो किस में, ओके, R3 मीन्स ये किसी काम का नहीं है, तो लेकिन ये किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, ओके। तो अगर टोटल कॉन्फ्लिक्ट को कोई पूछता है तो 3 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और टोटल इनएडिक्वेट स्टेट्स कोई पूछता है तो वो भी 3 हैं, I3, I0 और I1, ओके, एंड दैट्स डन।